अलीगढ़ में 11 साल के बच्चे आशीष ने मेरा वोट के नाम से एक वोटिंग वेबसाइट बनाई है। उसका कहना है कि यह वोटिंग वेबसाइट ईवीएम मशीन को ख़त्म कर देगी, इससे आदमी कहीं भी बैठकर अपना वोट एक बार डाल सकता है। अगर वो करेंगे तो उसमें डेटाबेस में वो एक्सेप्ट ही नहीं होएगा, तो उनका मतलब कि अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उनका डेटाबेस में स्टोर ही नहीं रहेगा, ना तो उनका काउंट रहेगा वोट। किस तरीके की वेबसाइट आपने तैयार की है चुनाव? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और मैंने ये मेरा वोट नाम की एक वेबसाइट बनाई है। ये ऑनलाइन वोटिंग पोर्टल है और इसमें आप अपना वोट ऑनलाइन कास्ट कर सकते हैं। क्या मतलब क्यों ये याद करने का मौका मिला, क्या वजह रही इसके पीछे? ये आइडिया तो मेरे पापा ने दिया था, लेकिन इसका बहुत तरीके से फ़ायदा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि बना ही ले। गवर्नमेंट का इस साल में 60,000 करोड़ से ज़्यादा लग रहा है वोटिंग में, चुनाव के लिए पैसा इनका बहुत लग रहा है। और उन दिन तो बंद रहती है सारी दुकानें और आप मतलब कि कोई और काम भी नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपको आपका या तो वोट कट जाएगा या फिर आप वोट करने के लिए घूमने नहीं जा पाएंगे। और इसलिए मैंने ये ई वोटिंग की पोर्टल बनाई है, इससे आप अपना वोट ऑनलाइन कर सकते हो और कहीं पे भी बैठ के किसी भी समय और आसानी से कर सकते हो। एक मिनट के अंदर आपको वोट कास्ट हो जाएगा। उसका उद्देश्य यही है कि वो गवर्नमेंट का इतना अधिक पैसा जो लगता है वो कैसे बचाया जा सके, और उसको बहुत अच्छा भी लगता है सिस्टम पर रहना बैठना, तो उसने अपना वो सारा समय दिया और फादर के कहने पर उसने इस बोर्ड को तैयार किया। अच्छा, मतलब इतनी कम उम्र में जी कंप्यूटर के अंदर इतना सारा ज्ञान एक्सेस करना, जी ये कहाँ से नॉलेज मिली इसको? इसने खुद से ही किया, कोविड के दौरान जब हमने इसको सिस्टम दे दिया तो इसने कुछ फ्री वेबसाइट मतलब किया और वहाँ से क्लोन बनाना शुरू कर दिया, फिर उस क्लोन पर सारे दिन बैठे बैठे वर्क करते रहना, और फिर धीरे धीरे ये सीखता चला गया। फिर मेरे को लगा ये क्या कर रहा है, फिर मैंने भी इसको कुछ अपने कुछ क्वेश्चंस दिए, क्या तुम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो उसने वैसा किया। मैंने कहा जैसे मोदी जी आ रहे हैं भीड़ में से, सब तालियाँ बजा रहे हैं, वो झंडा फहरा रहे हैं और फिर राष्ट्रगान बजने लगे, इस तरीके से भी इसने बनाया। कुछ मैंने बुक्स के ट्यूटोरियल इसको दिए, जैसे नक्षत्र होते हैं, जैसे रोटेट करते हैं, तो क्या ये बना के देगा, तो बोला हाँ मैं बना कर दूंगा, प्लैनेट्स के बारे में। इस तरीके से इसने कई चीज़ें मेरे कहने पर बना कर भी दी, कुछ कविताओं पर भी इसने अपने जैसे छोटे छोटे से गेम्स टाइप में कोडिंग की मदद से इसने बना कर दिया। फिर धीरे धीरे ये बुक्स लिखने लगा, फिर मैंने देखा इसकी इंग्लिश कैसी है, इसकी इंग्लिश भी खूब अच्छी थी, परफेक्ट इंग्लिश होने के कारण। और फिर इसको जैसे बोला कि तुम अब ये करो, अब तुम क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाओ जैसे हमारे देश का फ़ायदा हो, तो फिर इसने इसको बनाया वोटिंग कास्ट मेरा वोट, तो और ये सक्सेस भी हो गया। अब ये है गवर्नमेंट हमें क्या देती है, यही कौन सी क्लास में किस स्कूल में पढ़ते हैं? ये अब सेवन्थ पास करके 8th क्लास में आया है, यहाँ नौरंगी लाल इंटर कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है, उसमें ये पढ़ता है। अच्छा, मतलब सरकारी स्कूल से? हाँ ये वो गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास में इसका एडमिशन करवाया था हमने और अब ये 8th में आ गया।